तो इन्हीं की देन थी कि वो 12वीं में ही IIT में सेलेक्ट हुआ रनिंग में। हर घर में हर डाणी में अगर डॉक्टर को डॉक्टर इंजीनियर या अच्छी वो जरूरी नहीं है NIT IIT तो कर लिया, लेकिन उनमें से बहुत सारे IAS भी हैं, वो IAS भी बने, वो CMC की देन है। जब सुरभि का 2010 में MBBS में सेलेक्शन हुआ, मैं BO पद पे काम कर रहा था, तो 2011 में उसी से ही मोटिवेट होके मैं बच्चे को किसी को नहीं पूछा, मैं सीकर नहीं देखा, CLC नहीं देखा, केवल कमल जी भाई साहब ने कहा कि CLC में ही अपने बच्चे को एडमिशन करा। और सुबह पहले मैंने रात को ही मतलब रोटियां बंधवा के बोरे में कपड़े लेके सीधा सट में सीकर चले गया। मैं साहब को भी नहीं जानता था, मैं आपको भी नहीं जानता था, टेम्पू में पूछा मैंने, पीपरौली रोड पे हैं आप वहाँ पूछे, फिर मैं आपके चैम्बर में गया। सबसे अच्छा तो ये लगा कि सर आते ही बैठा थे, कहाँ से आए हो आप, और मैं सुरभि से ही मोटिवेटेड पहला आदमी हूँ जो IIT में मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ। जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मुझे 3 मिनट के अंदर अंदर इतना रेफरेंस, इनने इतना इजी गोइंग बताया, बेटे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रहने की तक की व्यवस्था हम करेंगे आपको, तो बच्चे को छोड़ जाइए और हम पे छोड़ दीजिए। तो इन्हीं की देन थी कि वो 12वीं में ही IIT में सेलेक्ट हुआ रनिंग में। फिर हम दिल्ली चले गए, वो माइनिंग में हुआ, उसका मूड कम था कि मैं साउथ इंडिया में नहीं जाऊं। साहब से वहीं से ही बात हुई, क्या मुकेश तू वापस आ जा, तेरे को वापस दूसरा चांस लेना, बड़ी रिस्क ली, और दूसरे साल भी वो IIT में सेलेक्ट हुआ। बिल्कुल, कमलहरी के साथ हम गए थे, जब वो 12वीं में सेलेक्ट हुआ, कमल उस टाइम MBBS में, जीतराम का इनका, और कमल जी भाई साहब हमारे वो हमारे BIG लगते हैं इनके फादर, कमल जी को लेके गए थे, कमल जी हमारी की लीडरशिप कर रहे थे, बहुत अच्छा हमको मतलब आपने, मैं धन्यवाद देता हूँ CLC और CLC परिवार को कि हमारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि को आपने पहचाना, हर झोंपड़ी से जो हमारी जो भी चीज़ें हैं खोज के एक ऐसा मुकाम पे हमको पहुँचा दिया जो आज हमारे हर गांव में, मेरे गाँव में कांतार मुकेश भी नहीं है, एक और डॉक्टर कर रहा है जीतराम जी जान रहे हैं हमारे, NIT आपसे किया, यशपाल सैंडीवाल संवारिया, यशपाल हाँ बिल्कुल यशपाल, मैं कह रहा हूँ यहाँ आपको अभी ये सर 10-20 ही बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है, तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में वो मुकेश लेके छोटी, मैं यशपाल की बात बताऊँ, यशपाल का 10th का स्कोर शायद 70-60% के आसपास रहा, जी सर बिल्कुल, उसके दादा बड़ा सा साफा पहन के आया करते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में मैं कांता जो मुकेश की छोटी बहन है उनको भी आपके वहाँ ले गया, और वो भी MBBS में सेलेक्ट हो गई 2019 में, तो आपकी देन है। मैं भाइयों से कह रहा हूँ, अपने जो भी बच्चे हैं आप, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वहाँ अपन ये चीज़ें समझ ही नहीं पाए, कभी अपने पहुँच ही नहीं पाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा पटवारी मास्टर 12वीं करके अब क्या करें। हर घर में हर डाणी में अगर डॉक्टर को डॉक्टर इंजीनियर या अच्छी, कोई जरूरी नहीं है NIT IIT तो कर लिया, लेकिन उनमें से बहुत सारे IAS भी हैं, वो IAS भी बने, वो CLC की देन है। अगर ये नहीं होते तो हमारे तो यहाँ होता ही नहीं, शुरुआत आपको है, बहुत बहुत धन्यवाद, हमको जागृत करते रहें, आप इस प्रकार की मीटिंग करें तो हम लोगों को मालूम पड़े, हमारे बहुत सारे कि इस प्रकार हम इकट्ठे हो नहीं पाते। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि हाँ हम बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे बच्चों को या माता पिता को यही पता नहीं है कि कौन किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो एक दूसरे की हमारी शेयरिंग नहीं हो पा रही, और वो बच्चे कहीं हमको ये नहीं भूल जाएंगे, हम भी यार हमको भी कोई जानते हैं, तो आपने ये गैदरिंग करके इन लोगों को दिशा निर्देश, भाई कैसे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे इतने 8-10 तो डॉक्टर हैं, IITian हो गए, तो आपने एक ऐसा मुकाम दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। CLC ही हमारी यहाँ की देन है,